स्टूडेंट्स वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, जिसमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था। तो उस टॉपिक में मैंने आगे बताया था फर्दर कि हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो इस सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक के अंदर आते हैं। पैरासाइटिक वैसे होलोजोइक के अंदर भी चला जाता है, बट प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट मैंने स्किप किया है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा शो किया गया है बहुत सारे कुछ, तो वो मैं लास्ट में कवर कर दूंगा चैप्टर के। तो पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, ओके। तो एज वी नो दैट एनिमल कैंट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द इनऑर्गेनिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द नेचर। तो हम जानते हैं कि एनिमल जो हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, तो वो अब दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ऑल एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स। ये तो आपको पता ही होगा कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हेटरोट्रॉप्स में आते हैं। ये हैं प्लांट्स पर ये नॉन ग्रीन है, जबकि क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि हम लोग डिपेंड रहते हैं। तो अपना खाना वो लोग क्यों नहीं बना पाते हैं एनिमल या फिर कोई भी प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट? तो उनमें लैक ऑफ क्लोरोफिल होता है, जो कि पॉइंट नंबर वन यहाँ पे मेंशन्ड है, लैक ऑफ क्लोरोफिल। और वो अपने आप खाने को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल वो और कुछ नहीं, वाटर और मिनरल्स हैं जो कि पाए जाते हैं, ठीक है, सॉइल में, जहाँ से प्लांट्स अपना आप खाने को चेंज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक में, ओके। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कन्वर्ट करने में सनलाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और सनलाइट को कौन ट्रैप करता है? क्लोरोफिल ट्रैप करता है। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल रहता ही नहीं है, तो खाना बनेगा कहाँ से? तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दस दे नीड एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फूड। तो उनको खाना बनेगा नहीं, तो एक एक्सटर्नल सोर्स ढूंढते हैं अपने फूड को। सो नाउ वी विल डिस्कस हाउ दे ऑब्टेन देयर फूड। लेट्स फर्स्ट डिस्कस सम एग्जांपल्स। तो पहले हम लोग सब एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं एक डिटेल्ड वे में, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में रहेगा। तो हेयर आर सम एग्जांपल्स, लाइक बिग फिश इट्स स्मॉल फिश, बर्ड ईट वॉर्म्स एंड इंसेक्ट, स्नेक ईट्स फ्रॉग, और अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जांपल। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं, और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि ऑटोट्रॉप्स के अगर डेफिनेशन में आप एग्जांपल में प्लांट्स सिर्फ लिखते हैं तो वो गलत हो सकता है। जनरल टर्म में गलत नहीं होता है, पर गलत माना जाएगा उसको। तो आप लोग ग्रीन प्लांट्स लिखेंगे, और हेटरोट्रॉप्स में लिखेंगे नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये एग्जाम्पल में। और एग्जाम्पल में यीस्ट प्लांट, पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, ये तीन चीज़ है, यीस्ट प्लांट, पीचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप के का इमेज, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, ऐसे आप गूगल करके भी देख सकते हैं, और आपके बुक्स में भी प्रोवाइड किया गया होगा फ़ोटो, अगर साइड बुक आप रखे हैं तो। और ये है पीचर प्लांट की इमेज। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि पीचर प्लांट, तो पीचर जो मटके को कहा जाता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, गगरी, मटका, जो भी कहते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके लिए, तो वो उसको कहा जाता है पीचर, ठीक है। तो ये जो प्लांट का शेप है, ये जो सर्कुलर शेप है, ये भी एक पीचर के जैसा दिख रहा है, और ये पीचर का कवर है, ये जो पत्ता जैसा चीज ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये पीचर का कवर है। तो जैसे ही कोई ये ना अंदर बहुत सारे मतलब कोई चीज़ होती है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को खुद के साइड, ठीक है। तो वो इंसेक्ट जैसे ही यहाँ से उड़ के यहाँ पे बैठते हैं, वो फट से ये जो ऊपर वाला लेयर है ये बंद हो जाता है, और इंसेक्ट जो होते हैं वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये अपना खाना लेते हैं। तो हमने अभी एग्जांपल से देखा कि हर एक जानवर या हर एक प्लांट का एक अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट होता है, ठीक है, हैबिट जो परफॉर्म करते हैं अपने खाने में, ठीक है, किस तरह का खाना वो खाते हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोग तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किए हैं। पहला है हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस, और तीसरा है ओमनीवोरस। ये आप कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ऐसे आप लोगों को ये पता भी होगा, पर ये नहीं पता होगा कि किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो फूड हैबिट के बेसिस पे ये तीन कैटेगरी में डिवीज़न है इन लोगों का, जो कि है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस।
इसका सबका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ अभी, वैसे आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगा छोटे क्लास में ही। तो पहला है हर्बीवोरस एनिमल हु कैन ईट ओनली प्लांट्स, जो भी एनिमल सिर्फ पौधे पेड़ पौधे पे अपने आप को फीड करते हैं, जो कि प्लांट ईटर्स कहलाते हैं, वही होते हैं हर्बीवोरस। बहुत सारे एग्जांपल हैं, काऊ, बफेलो, ऑक्स, ये सब डेली लाइफ में आप इन लोगों को देखे होंगे, ये सारे एग्जांपल हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्योंकि हमारे लैंड पे, हमारे पूरे यूनिवर्स में स्पीसीज़ की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे फाइंड हो चुके, मतलब ये सब तो नॉर्मल स्पीसीज़ हैं, और बहुत सारे फाइंड नहीं भी हुए हैं जो कि हर्बीवोरस के कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल्स की कमी नहीं है, एग्जांपल्स ये सब बहुत आसान एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा आते हैं कार्निवोरस पे हम, तो कार्निवोरस एनिमल जो कि सिर्फ फ्लैश ईट करते हैं, वो भी अदर एनिमल का, तो फ्लैश तो अदर एनिमल का ही ईट करेंगे, और वो लोग मीट ईटर्स कहलाते हैं। तो हर्बीवोरस क्या कहलाते हैं, प्लांट ईटर्स कहलाते हैं, और कार्निवोरस मीट ईटर्स कहलाते हैं। इनके भी एग्जांपल हैं, अक्सर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, स्नेक, ठीक है, ये सब हैं। ये क्या लिखा गया, ये गलत, इसको छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। आगे आते हैं ओमनीवोरस पे, तो ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि प्लांट्स एज वेल एज एनिमल दोनों पे फीड करते हैं, वो प्लांट ईटर और मीट ईटर्स दोनों कहलाते हैं, ठीक है। जिसके एग्जांपल में हम महापुरुष आते हैं, मतलब हम लोग आते हैं, ठीक है, और डॉग, क्रो, ये सब अलग अलग जानवर हैं जो कि दोनों चीज़ पे फीड करते हैं, ठीक है। तो तीन कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ ली, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, जो कि पहले थे प्लांट ईटर, दूसरे थे मीट ईटर, और तीसरे कॉम्बो हैं, ये दोनों के मिक्सचर हैं, ये दोनों चीज़ खा लेते हैं, इनको कुछ भी मिले कुछ भी खा लेंगे, वही चीज़ है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं खा लेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं एक स्क्रीनशॉट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स अब हम लोगों को देखना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, अब स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेप्स जो कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर आता है, ठीक है, तो देयर आर 5 मेन प्रोसेस कंसर्न, ठीक है, मेन 5 प्रोसेस आते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशनड हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये आप लोगों ने पहले भी कहीं सुना है, तो जी हाँ, मैंने पहले के लेक्चर्स में भी इसका जिक्र किया है कि ये 5 स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। तो मेनली ये हम लोग होलोसोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि ये 5 स्टेप फॉलो करते हैं, तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि होलोसोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डीप स्टडी अब हम लोग कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के रूप में, ठीक है। तो ये 5 प्रोसेस आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से अभी 1,00,000 बार मैं बोलूँगा यही 5 वर्ड्स, इजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, और बहुत सारे जो भी लाइफ, तो मैंने बताया था कि ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये भी एक लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं, ये चैप्टर का जो हेडिंग है, ठीक है। तो हम लोग पहले लेट अस डिस्कस फर्स्ट इंजेशन, व्हाट इज़ इंजेशन, मैंने आपको बताया था वैसे कि इनटेकिंग ऑफ फूड इज़ कॉल्ड इंजेशन, ओके। तो इंजेशन, तो जानते हैं द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन, जो कि ब्लैक से बोल्ड में लिखा है, ये डेफिनेशन आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहला बात है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ और कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटीज़, लाइफ एक्टिविटी वही लाइफ प्रोसेस। तो हम लोग जानते हैं कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज़ के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, जो कि मैंने बताया था जो फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, ओके, वही चीज़ टर्म है। तो वी मस्ट ईट फूड और टेक फूड इनटू द बॉडी, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, जो हमारे फ्यूल का काम करती है, जिससे हमारे अंदर का फैक्ट्री रन करता है, ठीक है। इन मोस्ट सिंपल टर्म इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल्स, इंजेशन का सिंपल मीनिंग यही है कि ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है, इन टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, बहुत तरह का डेफिनेशन है, बहुत छोटा डेफिनेशन है, आप लोग याद रख सकते हैं आराम से। तो व्हेन वी पुट फूड इन आवर माउथ विथ हैंड्स वी आर इंजेस्टिंग द फूड, तो इंजेशन, और हम लोग जो फूड खा रहे हैं वही इंजेस्टिंग द फूड, एक प्रोसेस हो जाएगा वो इंजेस्टिंग, ठीक है, तो वही इंजेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन, तो नेक्स्ट है डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स,
विच कैन बी अब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। अब आप लोगों के माथे के ऊपर से चला गया होगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, कि वॉट इज डाइजेशन। तो इंजेशन के बाद हम अपना खाना जो मुंह में लेते हैं वो क्या होता है, हम उसे चबाते हैं, ठीक है, दांतों से चबाते हैं। तो एक लार्ज मॉलिक्यूल को, ठीक है, जो कि सॉल्यूबल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल का मतलब यही है कि इनसॉल्यूबल मतलब जो कि मिल सकता है, घुल मिल सकता है किसी में, ठीक है, और इन वाटर सॉल्यूबल मतलब जो पानी में घुल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही पानी में घुलने जैसा मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब छोटा मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो हम लोग एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है हमारा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है, तो पहला स्टेप क्या होता है कि दांत से हम उसको टीयर करते हैं, खाते हैं, उसको चबाते हैं, चुई, तो उससे क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से थोड़ा सा ब्रेक होके थोड़ा सा एक स्मॉल पीस में ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण ईसोफेगस, ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप के द्वारा वो अंदर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है, और उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी फूड बचे हुए हैं, बचे कुचे जो फूड जाते हैं थोड़े से सिंपल फॉर्म में, सेमी सिंपल फॉर्म कह सकते हैं, उसको वो और सिंपल फॉर्म में ब्रोक करता है, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस में वही होता है, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो और सेमी प्रोसेस में ब्रोक करते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोसेस अंदर होते हैं आपके फूड खाने के बाद, वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसमें देखेंगे हम लोग, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा हमारा। पहले तो फिलहाल के लिए हम लोग यही जानते हैं कि इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल को छोटा बना के सॉल्यूबल बनाना, ताकि वाटर जो है एब्जॉर्ब कर पाए, मतलब ये बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर पाए, उसी को डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगला प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, आप जानते हैं। तो अगले प्रोसेस को परफॉर्म कर, मतलब परफॉर्म हो जाए अगला प्रोसेस, ठीक है, उसमें हेल्प करता है एक तरह से डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन सिर्फ का डाइजेशन का यही काम है कि इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही उनका काम है। इन मोस्ट सिंपल टर्म डाइजेशन इज डिजॉल्विंग ऑफ सॉलिड फूड, ठीक है। तो सॉलिड फूड जो हम लोग खाते हैं, डिजॉल्विंग मतलब गलाना एक तरह से कह सकते हैं, उन्हीं को डिजॉल्व करना, मिलाना, घोलना अपने अंदर, वही चीज़ डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूबल फूड ही हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं, इसलिए डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मोस्ट एनिमल्स जो हैं वो बोथ फिजिकल और केमिकल मेथड यूज़ करते हैं डाइजेस्टिंग का, ठीक है, ब्रेकिंग अप द लार्ज फूड मॉलिक्यूल, ठीक। एक सिंपल वर्ड में एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं समझे हैं तो, कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, जो हम लोग खाते हैं सिंपल वर्ड में वो इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्यूबल बनाना ही डाइजेशन प्रोसेस का काम है, ठीक है। फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड मतलब ये होता है, जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग खाते हैं और उसको दांतों से चबाते हैं, तो वो हो जाता है फिजिकल मेथड में, ठीक है, जो कि हम करते हैं वो काम। और केमिकल मेथड होता है कि बहुत सारे टाइप के डाइजेस्टिव जूस एंजाइम्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है, जैसे बहुतों का नाम भी सुना होगा, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। तो ये सब एक केमिकल मेथड है। तो मोस्ट एनिमल्स जो हैं वो दोनों मेथड यूज़ करते हैं डाइजेशन का, ठीक है। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिजिकल मेथड क्या है, चबाना और ग्राइंड करना फूड को हमारे माउथ में दांतों के द्वारा, दांतों के यूज़ से, और दूसरा डाइजेस्टिव जूस से उसको सॉल्यूबल बनाना, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल मेथड सिर्फ उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ता है, और जो केमिकल मेथड है वो क्या करता है, इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूबल बनाता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर पाए, ओके। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फूड, मतलब जो कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस से होके आया है, जो कि वाटर सॉल्यूबल फूड हो गया है, उसको इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कराने में मदद करता है, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि हर एक अगले स्टेप के लिए उसका पिछला स्टेप वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे
पहला इंजेशन जो हम लोग किए उसमें दांत का वर्क हुआ, दांत का वर्क हुआ क्योंकि वो सिंपल मॉलिक्यूल में उसको तोड़ पाए। फिर डाइजेशन का वर्क हुआ क्या, कि वो इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूबल बनाए ताकि एब्जॉर्प्शन हो। और एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि वो जो दो प्रोसेस थे ताकि वो छोटा हो जाए और सॉल्यूबल हो जाए, और ये इंटेस्टाइनल वॉल से डिफ्यूज़न के माध्यम से ये क्या करते हैं ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अब आगे आपको समझ आ गया कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है, सारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांसपोर्टेशन यही कि हमारा जो एनर्जी बन रहा है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है एसिमिलेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन वही जो कि एब्जॉर्ब फूड बॉडी सेल्स के द्वारा लिया जाता है जो कि ब्लड में फ्लो करते हैं और वो एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर करने में यूज़ होती है, ठीक है, एसिमिलेशन। तो वही चीज़ है कि एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस, ये दोनों मतलब सब प्रोसेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो एक बार आप वीडियो को बैक करके और थोड़ा स्लो कर लीजिएगा प्लेबैक स्पीड, ताकि आपको आराम से समझ में आए, ओके। अगला हो जाता है एक्सक्रीशन, ओके। तो जितना भी खाना हमारे बॉडी में लिया जाता है, डाइजेशन किया जाता है, एसिमिलेशन किया जाता है, वो सारा हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेन बात है कि सारे फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं, कुछ कुछ इनसॉल्यूबल ही रह जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ इनसॉल्यूबल फूड रह जाते हैं बॉडी में, और वही अनडाइजेस्टेड फूड हमारे कोई काम का नहीं होता। तो वो हम लोग क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फेसेस व्हेन वी गो टॉयलेट, ठीक है, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हम लोग उसको एक्सक्रीट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फेसेस, ओके। तो इजेशन यही है द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाया है डाइजेशन प्रोसेस में, वही फूड को इजेक्ट करना बॉडी से, ठीक है। इजेक्ट आप लोग वर्ड सुने होंगे, जैसे कोई कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसमें सीडी इजेक्ट कर देते हैं, इजेक्ट द सीडी, इजेक्ट द पेन ड्राइव, वैसे ही इजेक्शन, ठीक है। और इंजेक्शन, इजेक्शन, इंजेक्शन मतलब अंदर डालना, इजेक्शन मतलब निकालना, तो वही इंजेशन और इजेशन दोनों अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। नाउ वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट यूनिसेलुलर, दूसरे मल्टीसेलुलर, ये आप लोग पढ़े होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एमीबा, पैरामीशियम ये सब आते हैं, जो कि फंजाई के कैटेगरी में आते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि ये जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं सिंपल एनिमल के, ओके, तो इनमें एक ही सेल होता है, ठीक है, और सिंगल सेल में ये सारे वर्क एक सिंगल सेल के द्वारा करते हैं। और मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें हर एक स्पेसिफिक वर्क के लिए एक स्पेसिफिक सेल मौजूद होता है, ठीक है, वो होते हैं मल्टी सेलुलर, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम भी मल्टी सेलुलर हैं, जिसमें हमारा अलग अलग तरह का सेल अलग अलग वर्क परफॉर्म करता है, जैसे आँख में रॉड सेल, ये सब समथिंग अलग अलग तरह के सेल होते हैं जो कि अलग अलग वर्क में हम लोगों को हेल्प करते हैं। तो हम लोगों को वो इसके बाद देखना है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, कि एमीबा, पैरामीशियम ये सब अपना न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग कि एमीबा और पैरामीशियम बहुत सिंपल एनिमल है क्योंकि इनके पास सिंगल सेल होता है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी प्रोसेस करते हैं न्यूट्रिशन के, वो सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं। और आगे हम लोग जब देखेंगे कि एमीबा न्यूट्रिशन को कैसे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन एमीबा, तो एमीबा यूनिसेलुलर है ये तो हम लोग जान रहे हैं, ये एक टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल जो कुछ भी कह सकते हैं इसको, दोनों के कैटेगरी में आ जाता है, जो कि वाटर पे फ्लोट करता है और वहीं पे रहता है, ठीक है। तो एमीबा है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। मैंने आपको पहले ही बोला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का डिटेल्ड वर्जन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और ये जो बाकी जो बच्चे पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक, ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में इसका डिटेल्ड वर्जन है जो कि हम अभी स्किप कर चुके हैं, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं अमीबा भी। अमीबा जो कि अपना फूड जो लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेल फीडिंग कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं, फैगोसाइटोसिस ये जो वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल फीडिंग,
ठीक है, इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जिससे एमीबा अपना खाना लेते हैं। ऐसे तो है तो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही, बट फैगोसाइटोसिस एक इसको वर्ड दिया गया है सिर्फ इसको टर्म को डेराइव करने के लिए, एक सेपरेट व्यू देने के लिए। तो वेरियस स्टेप्स जो कि जानते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा में आता है, वही सारे प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, मैंने पहले ही बोला था 1,00,000 बार ये 5 वर्ड बोलने पड़ेंगे आपको, ठीक है, तो याद ही हो जाएगा। तो यही सारा प्रोसेस ये लोग भी फॉलो करते हैं, और यही लोग नहीं, इनफैक्ट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मोस्ट ऑफ द एनिमल्स नहीं, पूरे ही एनिमल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द नहीं, पूरे ही एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के यही 5 प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। किसी किसी में एक आध स्किप हो जाता होगा, पर मेन ये 5 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो एमीबा में आप लोग जैसे जान रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिंगल सेल ये 5 प्रोसेस कैसे कर सकता है, हमारे बॉडी में तो जीभ है, ब्रेक कर रहे हैं, सॉल्यूबल बना रहे हैं, पेट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल वॉल से ब्लड के थ्रू भेज रहे हैं, तो इनमें कहाँ से, इनके में तो गिना चुना चीज़ होता है, एक सेल है, साइटोप्लाज्म होगा, फूड वैक्यूल होगा, जो आप लोग सेल बॉड चैप्टर में पढ़े होंगे, क्लास 9th में है सेल चैप्टर, तो उसमें ये सब पढ़े होंगे कि सेल में क्या क्या होता है। तो एक सेल में कुछ ऐसा यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है, एमीबा के एक सेल में, जिससे वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। पहला है इंजेशन। तो एमीबा जो कि अपना खाना इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर, वो स्यूडोपोडिया के द्वारा करते हैं। अब स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीड भी कहते हैं, ये पी से स्टार्ट होता है पर इसको स्यूडोपोडिया पढ़ते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो जब भी एक पार्टिकल कांटेक्ट में आता है उनके, एमीबा के, तो वो एक स्यूडोपोडिया जो है उनका, उससे वो एक टेम्प्रोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर देते हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको समझाता हूँ कैसा होता है। जैसे एक एमीबा, ऐसे एमीबा हैं, ठीक है, उसका एक ये न्यूक्लियस है, तो अब जैसे कि एक फूड यहाँ पे उनको दिख गया, ये एक फूड है, ठीक है, तो ये फूड दिखा तो उसको कैसे वो लोग लेंगे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है इनके आसपास, जो कि ये फूड के पास और यहाँ फूड आ जाता है, ठीक है, ये फूड को ऐसे कवर कर लेते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर जैसे दो उंगली से हम लोग कुछ पकड़ते हैं, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है, इसी को हम लोग फॉल्स स्पीड और स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसका स्पेलिंग पी से शुरू होता है लेकिन उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। और ये न्यूक्लियस यहाँ पे है ये सब, तो और यहाँ से जो फूड आता है उसके बाद अगला प्रोसेस होता है, ये ऐसे ऐसे करके अपने फूड को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर लेके अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने। तो उसी में फूड वैक्यूल जो होता है वो काम करता है डाइजेस्टिव इंजाइम्स प्रोवाइड करने का, इंजाइम्स जो हमारे अंदर भी है, डिफरेंट बाइल जूस लीवर जो सेक्रेट करता है और पैनक्रियाटिक जूस, वैसे ही उनके में भी सेक्रेशन होता है, मतलब एक तरह से हम इसको केमिकल फॉर्म ऑफ डाइजेशन कह सकते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वहाँ लिखा था कि जो कि फिजिकल और केमिकल दोनों परफॉर्म करते हैं, मतलब जो दांत से चबाते भी हैं और अंदर केमिकली भी फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पर इनके पास चबाने लायक कुछ चीज़ नहीं होती, ये डायरेक्ट केमिकली डाइजेस्ट करते हैं और ये फूड को स्मॉलर पीस में ब्रेक करते हैं कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शन करवा के डाइजेस्टिव इंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। जब ब्रेक हो गया तो फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड जो प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल में, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म के द्वारा, जो कि मेन पार्ट होता है सेल का, और उसको सेल डिफ्यूज़न के द्वारा, डिफ्यूज़न जो हमारे बॉडी में भी होता है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो वो फूड वैक्यूल से क्या करते हैं, डिफ्यूज़न के द्वारा अपना जो भी खाना डाइजेस्टेड होता है उसको बाहर की तरफ निकालते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं उसको, ओके। तो व्हाट हैपेंड जस्ट बिफोर एब्जॉर्प्शन, जो भी सिस्टम जो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करते हैं वो डाइजेस्टेड फूड स्प्रेड हो जाता है पूरे फूड वैक्यूल में,
जो कि एमीबा सेल में, जो एमीबा सेल में फूड वैक्यूल के द्वारा पूरा डाइजेस्टेड फूड स्प्रेड हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद, जस्ट बाद, जो फूड वैक्यूल होता है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं, जब काम आया तो बॉडी बनाया, जब नहीं आया तो उसको डिसअपियर कर दिया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, अ पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन एमीबा सेल, जो कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस, जो एनर्जी ऑब्टेन होती है रिस्पिरेशन के थ्रू, वो एब्जॉर्ब फूड को क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एमीबा के ग्रोथ में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फूड इज़ यूज टू मेक पार्ट्स ऑफ एमीबा सेल विच लेड्स टू द ग्रोथ ऑफ एमीबा। ठीक है, दस ऑन एसिमिलेटिंग फूड अमीबा ग्रो इन साइज, और इसी के बाद साइज बढ़ता है। ठीक है, तो जैसे बताया मैंने, इंजेशन खाना कैसे लेते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया। ठीक है, और फैगोसाइटोसिस इसका प्रोसेस कहलाता है अमीबा के फीडिंग का। सेकेंड जो है डाइजेशन, डाइजेशन फूड वैक्यूल के द्वारा होता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जैसे ही होता है डिफ्यूज़न के द्वारा, वैसे ही फूड वैक्यूल गायब हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन कौन करता है, साइटोप्लाज्म करते हैं। और उसके बाद थ्रू आउट द बॉडी उस एमीबा को ग्रोथ के, एमीबा सेल को ग्रोथ के यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बुक का स्क्रीन शॉट है, तो इसको हटा, इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए उसका स्टेटमेंट ले रहा था। तो वैसे ही उसके बाद जो कि एमीबा जैसे ही बढ़ते हैं, तो एमीबा बढ़ते हैं तो मैं बता देता हूँ, एक सेकेंड, जैसे एमीबा ऐसे बड़े हुए, ठीक है, उनके न्यूक्लियस का साइज़ भी बड़ा होते जाता है। ठीक है, और बड़ा होने के बाद न्यूक्लियस धीरे धीरे दो पार्ट में टूटने लगते हैं। ओके, जिसमें दो पार्ट ऐसे ऐसे वो अटैच रहते हैं लेकिन टूटने लगते हैं। ठीक, उसके जस्ट बाद का प्रोसेस ये होता है कि वो दो डॉटर सेल में टूट जाते हैं, जो कि उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो, ये डॉटर सेल हो गए, ये दो सेल में बट गए। ठीक है, तो एक बड़ा सा एमीबा आया, उसने फूड खाया, फूड खा के डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्प्शन किया, एसिमिलेशन करने के बाद रिप्रोडक्शन किया ग्रोथ करके, ताकि वो दो डॉटर सेल में बंट जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं, कि एक्सक्रीट कैसे करते हैं एमीबा। तो एमीबा के पास कोई भी फिक्स्ड ऑर्गन नहीं होता, जैसे हमारे पास फिक्स्ड ऑर्गन हमारा एनस है जिससे हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, बट एमीबा के पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उनके पास जब एक अमाउंट, कंसिडरेबल अमाउंट, मतलब एक जितना उनको कैरी करने की क्षमता है उतना जब उनके अमाउंट भर जाता है फूड का, ठीक है, उनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, वो फट जाता है, सेल रैप्चर हो जाता है एक एरिया से, और वो जितना भी वेस्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है सेल वहीं उसी जगह पे। ठीक है, सेल से कोई भी जगह ऐसा फिक्स नहीं है कि वहाँ जाएंगे, बाथरूम जाएंगे एक्सक्रीट करने के लिए, या फिर कब करेंगे, कोई फिक्स्ड ऑर्गन नहीं है कि किधर से करेंगे, लेफ्ट से कि राइट से, जिधर से, कोई फिक्स ऑर्गन नहीं है, कोई फिक्स जगह नहीं है जहाँ पे कंसिडरेबल अमाउंट का लेवल पार हुआ, एक मीटर लगा होता होगा, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कोई मीटर नहीं होता होगा, ऐसे ही मतलब जब भी उनका जो क्षमता है वो बढ़ जाता होगा तो वो एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने सीखा होगा। तो जिसमें था हमारा लास्ट से क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, डिफरेंट मेथड्स जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं फूड हैबिट, डिफरेंट हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। ठीक है, और उसके बाद न्यूट्रिशन इन एमीबा मैंने दे हम लोगों ने देखा। ठीक है, और जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे कि हम लोगों के अंदर कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, वहीं मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।